इंटर्नशिप्स कॉलेज सोसाइटीज़ किसी में भी मुझे पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला नादर आई गेट इंटर्नशिप नॉर आई गेट इट सिलेक्टेड इन टू एन ऑफ दोसाइटी ऑफ माई कॉलेज ऑल राइट सो हाई गर्स कैसे आप सब बहुत सारे बच्चों के पास ये दिक्कत है ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोसाइटीज़ में अप्लाई किया वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ किसी इंटर्नशिप में अप्लाई किया उधर से रिजेक्शन मेला गई तो लाइक क्या करें भैया आपने कहा था कि इंटर्नशिप एक अच्छा रोल प्ले करती है आप किसी भी फील्ड में आपके सोसाइटीज़ uh, एक अच्छा रोल प्ले करती है आपके सीवी बिल्ड में और डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाती है आपके अंदर क्वालिटीज़ एड ऑन करती है तो लाइक like, अभी हम फर्स्ट ईयर के अंदर हैं ना हमें किसी सोसाइटी ने लिया ना हमें किसी इंटर्नशिप ने लिया हम क्या करें लाइक like, ऐसे तो फिर क्या करें लाइक like, आप बोलते हो हमेशा कि इंटर्नशिप्स करो सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो जितनी ज़्यादा सोसाइटी हो सकती है उनके इंटरव्यूज़ दो बट हमें कोई लेने को तैयार ही नहीं है तो अब हम क्या करें लाइक like, हमें कमी है लाइक एज अ प्रेशर वो क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटीज़ तो लाइक हम सीखना चाहते हैं बट सोसाइटीज़ लेने को तैयार नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई है इंटर्नशिप के अंदर वैकेंसीज बहुत कम है तो हम क्या करें कहाँ जाएँ सबसे बड़ा डाउट एंड बहुत बच्चों की क्वेरीज सेम ही चीज़ पर रिवॉल्व कर रही है लाइक मैंने जितने से पर्सनली बात की अपने कॉलेज में भी या फिर किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी लाइक मोस्टली यही निकल के आते कि भैया मैंने तो यार बहुत सारी सोसाइटी में अप्लाई किया था बट हर बार रिजेक्शन मेल आ जाती है इंटर्नशिप में अप्लाई किया तो वहाँ वैकेंसीज नहीं है या फिर अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो इंटर्नशिप मिल रही है तो लाइक वो फिर उसके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही तो क्या करें ठीक है तो यार आई एग्री बहुत बच्चों के साथ हुआ है सेम चीज ठीक है मैंने भी फेस किया है तो यार इसका सोल्यूशन क्या है ठीक है तो यार इंटर्नशिप्स और सोसाइटीज डेफिनेटली वैल्यू एड करती है बट जब आपको लेने को तैयार नहीं है वो तो उस केस में क्या कर सकते हो आप देखो मेन चीज क्या मैटर करती है कि कल को अगर आपको सीवी बिल्ड भी करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी जॉब में भी अप्लाई करते हो तो वहां पर आपकी सोसाइटीज में अगर पार्टिसिपेशन है तो यस वैल्यू एडम करेगी बट अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा ऑफ कोर्स कंसीडर किया जाएगा अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है ठीक है आप सोसाइटी एक बार सोच के देखना कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो सोसाइटी क्यों इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हो क्यों इंटर्न रहना चाहते हो किसी के अंडर एक बार ये सोच के देखना एंड देन आपके पास आंसर आएगा आंसर क्या आएगा कि मैं कोई स्किल्स सीखना चाहता हूँ ठीक है मैं कुछ लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना चाहता हूँ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहता हूँ या फिर मैं एक वर्किंग एन्वायरमेंट में काम करके देखना चाहता हूँ ठीक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है ये सब चीज़ें ऑफकोर्स आंसर निकल के आएंगे तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सोसाइटीज एंड इंटर्नशिप्स करनी ही ज़रूरी है ठीक है अब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटीज़ ही इंप्रूव करके देगी सिर्फ इंटर्नशिप ही इंप्रूव करके देगी ठीक है ये सिर्फ एक ऑप्शन है अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो किसी और ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाओ ना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है डेली बुक्स रीड करो ठीक है बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दो एंड लोगों से बात करना स्टार्ट करो बात किससे करें कॉलेज में आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ठीक है इतने सारे दोस्त बना सकते हो आप लाइक आपको पता नहीं है ठीक है फिर भी उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके व्यूज़ वगैरह से मैच करते होंगे एंड आपकी बॉन्डिंग अच्छी होंगी तो लाइक उनसे बात करना स्टार्ट करो ठीक है चार पांच फ्रेंड्स का सर्कल बना लो एंड उनसे इस तरह से बात करो कि यार चल आज किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं गूगल मीट सभी यूज़ करते हो गूगल मीट पे आ जाओ ठीक है चार पांच बंदे एक टॉपिक उठा लो कि लाइक आज इस टॉपिक पे पाँच मिनट मैं बोलूंगा पाँच मिनट तू पाँच मिनट तू पाँच मिनट तू और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे एंड जिस लैंग्वेज को भी इंप्रूव करना फॉर एक्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो ये डिसाइड कर लो कि जो भी बोलूंगा इंग्लिश में ही बोलूंगा तू भी इंग्लिश में बोलेगा एंड लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे ना तो यार एक दिन में तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला जब हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन तीस दिन दो महीने बाद देखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगी आपने कि लाइक आप एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे ओके तो लाइक नंबर वन चीज़ इसका कंक्लूजन इसका सॉल्यूशन ये निकलता है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो यार ये नहीं है कि सिर्फ सोसाइटीज़ और इंटर्नशिप ही करके देगी आप ख़ुद पे भी काम करो ठीक है लाइक like, वहाँ पर भी वही काम करने वाले हो बट वहाँ पे जगह नहीं मिली तो खुद के लिए कर लो ना ओके नंबर टू आपको क्या सीखना है कि लीडरशिप स्किल्स ठीक है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स लीडरशिप स्किल्स सीखनी आपको वर्किंग एनवायरमेंट में काम करके देखना है तो उस केस में क्या कर सकते हो ठीक है बहुत सारे एन होते हैं जिसमें आप वॉलंटियर कर सकते हो अपने आप को सोसाइटीज़ वगैरह में नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है एन वगैरह में ट्राई करो ठीक है कोई फीस वगैरह नहीं होती और उनमें ट्राई करो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह दो और वहाँ पर जनरली सिलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पर अपने कनेक्शनस बनाओ कनेक्शंस बनाओगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ होगी और वहाँ पर अगर आप इनिशिएटिव लेते हो खुद की तरफ से ठीक है तो लाइक वो चीज़ डेफिनेटली लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करेगी ठीक है तो लाइक इंटर्नशिप और सोसाइटीज़ दो ही चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बिल्ड करेगी बहुत सारी चीज़ और भी है नंबर थ्री चीज़ की अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कोर्स सीखना है पर्टिकुलर स्किल सेट सीखनी है फॉर एग्जांपल कैनवा सीखना है वीडियो एडिटिंग सीखनी है आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो यार वो कोर्स पे लग जाओ ना जो चीज़ आपको सोसाइटी सिखाने वाली थी या फिर आपको इंटर्नशिप सिखाने वाली थी और बेसिकली बोलूँ तो सोसाइटीज़ और इंटर्नशिप में ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ आता नहीं है तो वो वहां पर जाके डायरेक्ट आपको सिखा देंगे नो वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाएगी आप करके देखो ठीक है वो आप पर दो दो तीन तीन घंटे नहीं लगाने वाले बल्कि वो आपको बोल देंगे कि ये काम है ये काम करके दो जैसा होता है वैसे करके दो ठीक है फिर दूसरी बार आपको बोलेंगे इसमें ये एडिट्स है और फिर उन एडिट्स को फिर से री एडिट करो और फिर धीरे 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 करके इंप्रूवमेंट होगी तो वो सिखाने नहीं वाले आपको खुद सीखना पड़ेगा ओके तो लाइक वो चीज़ आप इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हो किसी का काम करने की जरूरत नहीं है खुद के लेवल पर करो कोर्स सीखो आप गूगल पर इतने सारे कोर्स पड़े और सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब आप बोलते हो ना कि पेड कोर्सेज है यूट्यूब पे सब फ्री है प्रोफेशनल्स बैठे हो जो अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़ सिखा रहे हैं ठीक है फ्री में फ्री एकदम तो लाइक यूट्यूब उठाओ किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर जिसमें तुम इंटर्नशिप या सोसाइटी ज्वाइन करने वाले थे जिसके कारण तो वो चीज़ यूट्यूब पर देखो एंड वहाँ से सीखो और वो स्किल्स हैं आपके पास तो और ज़रूरत क्यों है आपको इंटर्नशिप और सोसाइटी ज्वाइन करने की टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की ठीक है सोसाइटीज़ में था वो मेरा शायद हो सकता है कि एक एच पॉइंट हो अगर आप सोसाइटी में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है बट एच पॉइंट हो सकता है अगर आप सोसाइटी में हो एंड नंबर टू चीज़ की जैसे किसी भी कॉलेज ने कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं कॉम्पिटन ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था मैंने जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे एंड आपको सभी को दिख रहा है कि आपके सामने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ तो ये भी उन्हीं से ही आता है तो लाइक डोंट थिंक कि इंटर्नशिप्स एंड सोसाइटीज़ नहीं हुई तो नथिंग इज़ देयर ठीक है यू नीड टू मेक अ वे आउट ऑफ दें आपको रास्ता बनाना पड़ेगा अगर रास्ते सारे बंद हो गए तो उस पर काम करो एंड खुद की स्किल्स इंप्रूव करो डेफिनेटली सेकेंड ईयर तक ऐसा बना लो अपने आप को कि सेकेंड ईयर के बाद ऐसा ना हो कि लाइक मैं अब क्या करूँ आपके पास एक मोटिव होना चाहिए सेकेंड ईयर तक कि हाँ यार अब मैं अपने लिए काम कर सकता हूँ या फिर आपके पास एक विजन होना चाहिए कि लाइक मैंने मुझे इस पर काम करना है अपने थर्ड ईयर तक तो यार दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स के वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए सॉरी बट आई गेस थोड़ी सी इनसाइट्स मिली होगी क्योंकि बहुत बच्चे डीमोटिवेटेड हुए हुए हैं इस इस टॉपिक को लेके तो आई होप उनको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी इस टॉपिक से अगर मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूचर एंड क्वेश्चन एनी एनी डाउट और और यू अंडरस्टैंड वेदर इट्स रिलेटेड टू बोर्ड्स If you are facing any problem while studying, then Filo app is the solution. Clear all your doubts anytime just by doing three easy steps. First of all, download this app from the Play Store or App Store. This is the first step, and after downloading this app from the Play Store, just sign in by putting your 10 digit mobile number in the app and you will, you will get login into the app. And just after the second step, just scan your query which you want to ask from the tutor and upload it on the app and submit it. Within 60 seconds, Philo will get connected you live with the tutor and you would get the answers. As you are seeing in the video, the tutor is explaining each and every concept which you have asked from him and he will clarify your every doubt. So, what are you waiting for? Go and download this amazing app. Link is given in the description box and get your problem solved within 60 seconds. Use my referral code to get 10% discount. Link is given in the description box. Check it now.